हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियोस। तो आज हमारे सामने है ब्रिजा न्यू लॉन्च 2023 CNG। तो भाई ऑटो एक्सपो 2023 की जान, सबसे बड़ी गाड़ी, इसी का सबसे सबको इंतजार था। काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे कि भाई ब्रिजा CNG में कब लॉन्च होगी, तो भाई लॉन्च हो चुकी है ब्रिजा CNG के अंदर। तो ये है CNG इसका वर्जन। तो भाई इसके बारे में टोटली बात करेंगे, देखेंगे, इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो भाई फ्रंट में जो गाड़ी का ब्रिजा का जो फ्रंट ग्रिल है, सेम वही ग्रिल इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है जो न्यू ब्रिजा के अंदर आपको मिलता है। सेम वही ग्रिल आपको इसके अंदर भी मिलता है, जिसमें कि आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ आपको और क्रोम फिनिश का टच देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे जो इसकी स्ट्रिप है ना सिल्वर की, ये बहुत ही प्यारा लुक प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। साथ ही साथ ये जो कलर है, ये अपना ब्लू मैट कलर के अंदर ये गाड़ी लॉन्च की गई है। तो मैट कलर इसको बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है, देखो कितना अच्छा इनहेंस कर रहा है इसके लुक को। तो बात कर लेते हैं गाड़ी के बम्पर में, तो बम्पर भी काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश की गई है मारुति की तरफ से, जो कि अपना ड्यूल टोन कलर के अंदर आता है, जिसमें कि अपना ब्लैक पियानो फिनिश और साथ ही साथ ब्लैक मैट के जो है डेडली कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो भाई यहाँ पे देखो कहीं कहीं पे मैट का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक ग्लॉसी का यूज किया गया है। तो भाई ये इसके लुक को है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है, बल्की लग रही है गाड़ी। बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को मिल जाती हैं। सबसे नीचे आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाती है फॉग लाइट, जो अंदर प्रोजेक्टर फॉग लाइट दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें सी सेफ का आपको ब्लैक पियानो फिनिश का लुक देने की कोशिश की गई है, जो कि इसके लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट लाइट की, तो फ्रंट लाइट जो है आपको मिलती है प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ में, क्योंकि भाई प्रोजेक्टर लाइट दी गई है इसके अंदर, जो कि गाड़ी के लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रही है। LED सेगमेंट इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। ये जो DRL है, ये इसके अंदर इनबिल्ट DRL है, जो कि डे लाइट DRL है, जो कि इंडिकेटर्स का भी काम करेंगे आपके लिए। तो ये बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी को। अब गाड़ी के लिए बात करता हूँ गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, तो साइड प्रोफाइल से देख लो गाड़ी का जो लुक है किस तरीके से आ रहा है। भाई गाड़ी का साइड प्रोफाइल से इस तरीके का लुक दे रही है गाड़ी। तो साइड प्रोफाइल में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज साइज ग्लाइडिंग दी गई है। भाई काफ़ी अच्छी ग्लाइडिंग दी गई है, जो कि गाड़ी से साइड में आपको प्रोटेक्ट करती है, साइड प्रोटेक्शन देगी। साथ ही साथ बात कर लेते गाड़ी के फेंडर पे कुछ भी आपको मतलब प्रोवाइड नहीं होता है, ना ही आपको कोई रिफ्लेक्टर मिलता है, ना ही कोई इंडिकेटर्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। बात कर लेते गाड़ी के व्हील्स की, तो व्हील में आपको डायमंड कट अलॉय व्हील MRF के टायर मिल रहे हैं 16 इंचेस के। बात करते हैं क्लाइडिंग की, तो क्लाइडिंग जो है वो ब्लैक कलर की पीछे तक आपको जाती है लास्ट तक। साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश की टच देने की कोशिश की गई है क्लाइडिंग के ऊपर। बात कर लेते हैं गाड़ी के ORVM पे, तो साइड मिरर जो दिए गए हैं गाड़ी के, वो दिए गए हैं बॉडी पैंट मैट कलर के अंदर, जिसी के अंदर ही आपको यहाँ पे इनबिल्ट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको मिलते हैं LED इंडिकेटर्स। नीचे की तरफ आपको कोई भी 360 कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। डोर हैंडल की बात कर ले तो डोर हैंडल आता है अपना रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में। साथ ही साथ रूफ की बात करते हैं, रूफ रेल्स मिल जाती हैं, जो कि आती हैं ब्लैक पियानो फिनिश के साथ ही। साथ ही साथ डोर जो पैनल है वो ड्यूल टोन कलर के अंदर मिल रहा है आपको। ऊपर की तरफ जो ग्लासेस वाला पोर्शन है, वहाँ पे आपको ब्लैक मैट फिनिश देने की कोशिश की गई है, और नीचे की तरफ आपको जो है ब्लू मैट फिनिश दी गई है। तो ये जो मैट फिनिश का जो काम है ना, टोटली बहुत ही डेडली काम किया गया है इसके ऊपर, तो जो इसकी ब्यूटी को ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है भाई। तो अब चलिए बात कर लेते हैं गाड़ी के रूफ पे आपको मिल जाता है सार्फिन एंटीना, प्लस में आपको मिल जाती है रूफ रेल्स। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल में, तो बैक प्रोफाइल से देख लो भाई, बैक प्रोफाइल में आपको कितना अच्छा लुक दे रहा है। सेम प्रोफाइल आपको मिल रहा है जो आपको पेट्रोल वर्जन के अंदर मिलता था, सेम प्रोफाइल वही आपको इसमें भी इंट्रोड्यूस किया है सुजुकी ने, कोई भी अलग से चेंजेस वगैरह नहीं किए। बस हाँ, थोड़ा सा चेंजेस है जो ऊपर आपको मिल रहा है, देखो सार्फिन एंटीना इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे CNG की बैजिंग मिल जाएगी, स्पॉइलर मिल जाएगा, स्पॉइलर के अंदर ही आपको स्टॉप लाइट मिल जाएंगी, स्टॉप लाइट में डी फोगर मिल जाएंगे, यहाँ पर रेन वाइपर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ सुजुकी का लोगो मिल जाता है और ब्रिजा की बैजिंग मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा काम किया गया है ब्रिजा की तरफ से इंट्रोड्यूस करने में, ब्रिजा ने जो है CNG को कोई भी कमी नहीं की गई है। बात कर लेते हैं गाड़ी के बैकलाइट पूरी की पूरी आपको मिलती है LED सेगमेंट के साथ में, और पीछे की जो रिवर्स पार्किंग लाइट है वो मिलती है आपको हाइलोजन बल्ब के साथ में। तो भाई यहाँ थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर गया है, मारुति कॉस्ट कटिंग के लिए जाना जाता है भाई, कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं कर ही देता है वो बंदा, तो इसने कर दिया है यहाँ पे अपना जो है जो बैक लाइट है उसको अपना इसने क्या किया है, जो रिवर्स पार्किंग लाइट है उसको उसने हैलोजन बल्ब के साथ दे दिया। तो बात कर लेते हैं गाड़ी के नीचे बम्पर पे, तो बम्पर भी काफ़ी अच्छा मतलब लुक देने की कोशिश की गई है, जो कि ब्लैक मैट फिनिश के अंदर मिलता है आपको। नीचे आपको थोड़ा सा
यहाँ पे आप देखेंगे तो रबड़ का काम मिल जाएगा आपको, जो कि इसके ब्लैक पियानो फिनिश की तरीके से आपको इसको लुक देता है। तो भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक पियानो फिनिश और मैट कलर दोनों ही इसके लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। नीचे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। तो ये इसका ओवरऑल बैक का लुक है। तो भाई ये गाड़ी देखने से बैक साइड से तो काफ़ी बल्की और ह्यूज साइज लग रही है। ओवरऑल देखा जाए तो भाई नीचे की तरफ जो बम्पर है उसको कार्बन फाइबर का लुक दिया गया है, कार्बन फाइबर से लुक बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वही बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, तो इंटीरियर भी आपको सेम जैसे ब्रीजा में ऑल ब्रीजा के अंदर मिल रहा है, वही इंटीरियर इसके अंदर मिल रहा है। देख रहे हो आप, अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अच्छा सा मिल जाता है आपको, साथ ही साथ वुडन टच देने की कोशिश की गई है डैशबोर्ड पर। और प्लस में आप डैशबोर्ड देखोगे तो आपको ब्लैक और वुडन फिनिश के साथ मिलता है। और अपोस्ट्रोफी जो है गाड़ी के अंदर जो फैब्रिक का यूज किया गया है, कोई लेदर फिनिश नहीं दी गई है गाड़ी में। जो सीटें हैं उनके ऊपर कोई लेदर फिनिश का काम नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो विंड ग्लास है उसके नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्रोम का काम किया गया है। स्ट्रिप जो है क्रोम की स्ट्रिप दी गई है, लास्ट तक क्रोम की स्ट्रिप जाती है। तो ये इसका ओवरऑल बाहर का एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर से गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। बट लेकिन गाड़ी में अंदर इंटीरियर जाने की परमिशन नहीं है, तो मैं बाहर से जितना हो सकता है उतना कवर कर रहा हूँ। जैसे ही आपको इंटीरियर आएगा तो मैं इस गाड़ी का इंटीरियर भी आपके लिए बना के दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बने रहें अपने चैनल पर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।